बालों को जल्दी से लंबा करने का तरीका जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। हमारे सर के बाल केवल हमारे सुंदरता को बनाए रखने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि स्वस्थ और लंबे बाल का होना स्वस्थ शरीर होने का उदाहरण है। पर दुख की बात यह है कि आज के समय में दुनिया में बहुत सारे लोगों को बालों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बालों की समस्या के कई वजह हो सकते हैं। हार्मोन्स की मात्रा में गड़बड़ी, हमारे जीवन धारण में बदलाव के वजह से भी हमें कई तरह के बालों की समस्या हो सकती है, जैसे बाल पतले हो जाना, बालों का टूटना, उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना, रूखा सूखा बाल होना और बाल झड़ जाना। इसके अलावा भी आज की तारीख में हम अपने बालों पर कई केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण भी हमारे बालों की समस्या उत्पन्न होती है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं बालों को घना, लंबा और मजबूत कैसे बनाया जाता है, किन उपायों के द्वारा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। पहला उपाय, आपने अक्सर प्याज को एक सब्जी के रूप में देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्याज के प्रयोग से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। प्याज का रस बालों की सारी समस्याओं को दूर करता है और बालों को पोषण देता है। प्याज बालों को झड़ने से बचाने के साथ साथ उन्हें भूरा होने से भी बचाता है। प्याज के रस में सिर पर संक्रमण को रोकने वाले बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बालों को पतला होने से रोकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको एक प्याज को छीलकर एक मिक्सर में उसका पेस्ट बनाकर और उसका जूस निकाल लेना है, और फिर आप अपने बालों में उस जूस से मालिश करें, अपने बालों में पूरी तरह से लगाएं, और फिर 30 मिनट के बाद अपने बालों को धो लें। दूसरा उपाय, डैंड्रफ का बेहतर उपाय है नींबू का इस्तेमाल। नींबू के रस और तेल में एक खास किस्म के तत्व होते हैं, जो सिर की त्वचा को साफ रखने में मदद करते हैं और बालों को बिना नुकसान पहुंचाए रूसी को हटाते हैं। इसके साथ ही बालों को लेमोनी खुशबू भी प्रदान करते हैं। बालों को धोने से पहले सिर की त्वचा और बालों पर हल्के हाथों से नींबू का छिलका मलें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर नींबू के गुड़ों से युक्त किसी माइल्ड हर्बल शैम्पू से बालों को धो लें। ऐसा हफ्ते में एक बार जरूर करें, इससे रूसी से निजात तो मिलता ही है और रूसी होने भी नहीं पाती। तीसरा उपाय, बालों को घना करने के लिए ऑयल को कैसे तैयार करें। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कड़ी पत्ता, गुलाब का फूल, मेथी दाना, कपूर, आंवला, प्याज और गुड़हल के फूल की। जब भी हम कोई ऑयल बनाते हैं तो उसके लिए हमें बेस ऑयल की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम सामग्री मिलाकर अपना तेल तैयार कर सकें। बालों के इस तेल को तैयार करने के लिए हम दो तेल का इस्तेमाल करेंगे, एक तो तिल का तेल और एक नारियल का तेल। ये दोनों ही तेल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और खासकर तिल के तेल से बालों में डैंड्रफ की समस्या तेजी से खत्म होती है। तिल का तेल नहीं होने पर आप इसमें सरसों का तेल भी मिला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इसे बनाने की विधि। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 50 ml नारियल का तेल और 20 ml तिल का तेल मिलाएंगे। तिल के तेल की जगह आप सरसों का तेल भी मिला सकते हैं। इन दोनों तेलों को मिलाने के बाद बताई गई सारी सामग्री को मिलाना है और इसे गैस पर धीमी आंच पर पकाना है। सबसे पहले इस तेल में आधा कटोरी कड़े पत्ता डालकर 2 चम्मच मेथी के दाने डालें, फिर इसमें 1 गुलाब की फूल की पत्तियां और 3 से 4 गुड़हल के फूल की पत्तियां डालें। ध्यान रखें, गुड़हल के फूल डालते समय हमें फूल के नीचे का हरा हिस्सा हटा देना है और बाकी बचा फूल मिलाना है। अब इसमें आधा कटा प्याज और 1 कटा हुआ आंवला मिलाएं। अगर आपके पास ताज़ा आंवला नहीं है तो आप इसमें आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने इस तेल में प्याज डाला है, लेकिन फिर भी इस तेल के बन जाने के बाद इसमें से प्याज की बदबू नहीं आएगी। सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इस तेल को आधे घंटे के लिए पकाना है। आधे घंटे के बाद गैस को बंद कर दें और इसमें 4 से 5 छोटे कपूर के टुकड़े डालें, और जब यह तेल पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इस तेल को छान कर तेल को जार में डाल दें, और फिर इसमें 2 विटामिन E के कैप्सूल फोड़कर उसका तेल इसमें मिलाएं। विटामिन ई हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसे मिलाने से इस तेल को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
और फिर इस तेल का इस्तेमाल करने के लिए आप अपने बालों में इस तेल को लगाएं और फिर 30 से 40 मिनट के बाद अपने बालों को धो लें। चौथा उपाय, आप में से कई लोग नारियल के तेल का इस्तेमाल रोजाना करते होंगे, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को पता होता है। अधिकतर लोग नारियल का तेल सुबह नहाने के बाद बालों में लगाते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। सुबह तेल लगाने से दिन भर आपका तेल वाला सिर कई सारी धूल अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जो आपके स्कैल्प और बालों को डैमेज करती है। इसलिए नारियल तेल लगाने का यह तरीका बिल्कुल गलत होता है। इसलिए नारियल तेल लगाने का यह तरीका आजमाएं। रात को नारियल के तेल में कुछ बूंदे नींबू के रस को मिला लें। अब इसे हल्का गुनगुना कर लें और बालों पर लगाकर मालिश करें। अगले दिन सुबह बालों को शैम्पू से धो लें। ऐसा आपको एक दिन छोड़ के करना होगा। इस उपाय से आपके बाल तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा, जो आगे चलकर बालों को लंबा करने में मदद करेगा। धन्यवाद।